सुनिए भैया, अरे भैया सुनिए, अरे सुनिए ना, दो आदमी सीट पर जो है इस मुंह घूम जाइएगा, हाँ दो आदमी नीचे पर। की बच्ची है वो मृतका, क्या हुआ था उसको? सर मेरा बच्ची सुबह 7:30 बजे से बेचैन था, अभय सिंह के पास लाए थे झाझा, वहाँ से रेफर कर दिया जमुई। जमुई बोला कि सरकारी अस्पताल में ले जाइए। सरकारी अस्पताल में आने के बाद मेरा बच्ची जो है सो मान लीजिए यहाँ का डॉक्टर बोला कि इसको पटना रेफर करना है, एम्बुलेंस जो है से बुलाइए, लेकिन 4 घंटा इंतज़ार किए हैं, 50 बार फ़ोन किए हैं, लेकिन एक भी एम्बुलेंस वाला जो है से नहीं सुना। उसके कारण मेरा बच्ची जो है से तड़प तड़प करके मर गया। कितना ये आए थे यहाँ हॉस्पिटल? यहाँ हम 8:30 बजे आए सर, रात 8:30 बजे। हाँ सर। और मौत कितने बजे बच्ची? 12:30 बजे। तो क्या इस दौरान कोई एम्बुलेंस कोई नहीं दे दिया आपको? 50 बार फ़ोन किए हैं सर, लेकिन कोई नहीं सुना। किसको किसको फ़ोन किए हैं? जितना नंबर है एम्बुलेंस का नंबर है सब नंबर पर कॉल किए हैं, खुद डॉक्टर साहब से भी कॉल करवाए हैं, जो कंप्यूटर यहाँ का जो स्टाफ है उनसे भी कॉल करवाए हैं। कॉल करने के बाद फ़ोन रिसीव नहीं किया, एक दूटा रिसीव कर वो किया तो बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, है ना, इसलिए कि पटना सब गाड़ी चला गया है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी करना है सुबह में करेंगे। मेन कारण है सर यही कि मेरा बच्चा जो तड़प तड़प के मर गया 4 घंटा इंतज़ार करते करते, है ना। लेकिन एम्बुलेंस सरकारी नहीं मिला? सरकारी मेरा सेवा उपलब्ध कुछ नहीं मिला। क्या मतलब कि आप लोग प्राइवेट से सक्षम नहीं थे जाने के? प्राइवेट से सर मैं सक्षम नहीं थे, नॉर्मल परिवार से हम लोग हैं सर, मजदूर क्लास के आदमी हैं, कमाने खाने से लाचार है, है ना, ये सब लेकर के मान लीजिए हम सरकारी अस्पताल में सर हम लेकर के आए हैं। मतलब कि एम्बुलेंस के लिए डॉक्टर भी प्रयास किया, यहाँ का स्टाफ भी प्रयास किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला। यहाँ पे पदाधिकारी का नंबर लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पे, क्या पदाधिकारी किसी नंबर पे भी फोन किए? सबके नंबर लेकर के कॉल किए हैं, कोई सुना नहीं? कोई नहीं सुना। यहाँ जितना भी मान लीजिए सब पोस्टर लगा हुआ है, सब नंबर लगा हुआ है गाड़ी का, लेकिन कोई नहीं सुना। बच्ची को हुआ था क्या? बच्ची का सुबह से लगभग 7:30 बजे के बाद हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था, उसके कारण कहाँ पे दर्द हुआ? पेट में दर्द हो रहा था, उसी को लेकर के तुरंत फौरन जो ऐसे मवे से। अच्छा, इससे पहले भी कभी दर्द उठा था पेट में? नहीं, इससे पहले नहीं उठा था। कोई इसी प्रकार का पहले से कोई बीमारी वगैरह भी था? नहीं था सर। नहीं था, नहीं तो सिर्फ पेट के दर्द के लिए आप आए थे यहाँ जी, और यहाँ से रेफर किया गया था? यहाँ से रेफर किया पड़ा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण 4 घंटा में इंतजार करते करते मेरा बच्ची। कितने बजे मौत हुई है लगभग? 12:30 बजे। 12:30 बजे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम केदार मंडल है सर। आपकी कौन है मृतका? मेरा बच्ची है। क्या नाम है बच्ची का? बिंदी देवी। बता दिए सर, जो मामला रात में आई थी एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से, मत क्या मामला है, क्या जानकारी? देखिए, हमको जो मैंने मैनेजर से ये किया उसमें उन्होंने यही बतलाया कि ये 2 महीना पहले ही से पटना में इलाज में थे, यहाँ ये आए थे, इनकी हालत कुछ ये थी, भेजा गया इनको, मैंने रेफर किया गया, और निश्चित रूप से एम्बुलेंस में कुछ देरी हुई, और इसी बीच में जो हमको बतलाया गया कि ये मरीज लेके किसी प्राइवेट क्लिनिक में चले गए, वहीं इनकी मौत हुई है, फिर इसके बाद आए हैं। लेकिन जो ये एम्बुलेंस की बात आई देरी की जो ये है, इसके लिए मैंने जो स्टेट का पूरा ये है मैंने सो काउच कर दिया। सर यहाँ 5 एम्बुलेंस है पटना जाने के, हाँ, लिए, है ना, जिसमें से 2 या 3 हमेशा कंटिन्यू खराब रहता है, फिर क्या वजह है? मैं बता रहा हूँ, ये जो उस दिन का भी मैंने जो ये किया तो उसमें 2 एम्बुलेंस पटना गया हुआ था और 2 एम्बुलेंस ऑफ रोड था शायद, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ ये कौन सी भारी चीज़ थी। वैसा यदि था तो बगल के ब्लॉक से भी तो एम्बुलेंस बुला के हम लोग पटना कई बार भेजे हैं इस स्थिति में, तो निश्चित रूप से ये अस्पताल प्रशासन को इसके बारे में थोड़ा ये करना चाहिए। सर एक चीज़ और है कि मेंटेनेंस का तो पैसा वगैरह आता होगा, आखिर जब भी एम्बुलेंस, अभी देखिए आपके हॉस्पिटल परिसर में एक एम्बुलेंस चक्का के अभाव में 10 दिन से पड़ा हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ये मेंटेनेंस का पैसा उसा का नहीं आता है, ये सब जो पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके ये द्वारा चलता है उन्हीं के मातहत ये सब चीज़ रहता है। और ये जो टायर बदलवाने की बात कर रहे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले एक एम्बुलेंस हमारा ऑफ रोड था टायर के वजह से चकाई का, जिसको हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ ये किया और उसके बाद में उसका
चक्का बदला है। एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है सर, जैसे कि मरीज बहुत बार ऐसा मामला आया है कि मरीज को लोड कर लिया जाता है पटना ले जाने के लिए, फिर वहाँ पे जाके पेट्रोल पंप पे खड़ा हो जाता है एक घंटा आधा घंटा। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, इसके लिए DHS है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, वहाँ से ये कंट्रोल होता है, और वहाँ पर एम्बुलेंस देखने के लिए एक आदमी सुदृढ़ रूप से ये थी हैं। प्लस ये आपके जो ACO होते हैं एम्बुलेंस के, ये देखने वाले, अभी कुछ दिन पहले उनके खिलाफ भी मैंने लिखा है विभाग को, और हमने तो पूरे तरह से ये किया है कि उचित निर्णय लेते हुए कार्रवाई इन पर की जाए।